Lovely students, first of all, congratulations. You have been training since 3 hours now, and already 1 million mark is crossed. And this shows that majority of the students are in support of postponement. And they really need the relief of 40 days to 50 days. And now, talking about the important update is that regarding the meeting that I have mentioned yesterday, that there are likely to be a meeting between the MP and the Ministry of Education. So the thing is that, it is a very, we have came to know that there will be a meeting, because there is a एक जो भी लास्ट 10 days से जो भी एक हलचल चल रही है आप लोगों को लेके, तो उससे तो ये पता चलता है कि दे द कंसर्न्स एंड द रिप्रेजेंटेशन और द थिंग्स दैट कैन गिव यू जस्टिस आर ऑन द मिनिस्टर्स टेबल एंड दे आर कंस्टेंटली गोइंग थ्रू इट. ओके, नाउ when will be the meeting with health and what will be the outcome, that I can't predict. And if I tell you now also, then it will be not justified, because these things are very much confidential and Ministry of Education don't like to reveal any sort of meeting related issue, like what is the decision that has been taken. But if the decision comes in your favor, then obviously they will address the issue and they will give an official statement very soon. And what are the things you all can now do is that, first of all, keep the studies on, which is very much important for every student. And next thing that what we can do is that we will push to authorities, that's for sure. Lekin aap logo ka kya kehna hai? I want to hear it from students now. What do you want? Okay, because now we have seen that every activist or every people who have been trying to do their level best, they are doing expert their expertise. जैसे मैं अगर जो कर रहा हूँ, मुझे जो एक्सपीरियंस है, मैंने जैसे जेई में किया था या बाकी 2 साल 3 साल से जो करता आ रहा हूँ, उसके हिसाब से चल रहा हूँ. ओके, बट आप लोगों को अभी क्या सही लगता है कि हमें अभी क्या करना चाहिए, है ना? मल्टीपल कैंपेन्स हैव बीन डन. ओके, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हैव बीन सबमिटेड एंड इवन द रिप्रेजेंटेशन आर वर्किंग ऑल्सो. दे आर कंस्टेंटली मूविंग फ्रॉम वन टेबल टू अनदर, फ्रॉम द जॉइंट सेक्रेटरी टू द एडिशनल सेक्रेटरी, फ्रॉम द एडिशनल सेक्रेटरी टू द OSD साहब. ओके, तो कंस्टेंटली इट इज मूविंग. बट द थिंग इज दैट वी कान डिले आवर प्रोसेस और वी कान जस्ट स्टॉप कि कुछ हो जाएगा. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द ट्विटर लेवल पे तो आप लोगों ने एकदम बहुत ज़्यादा मेहनत करके यू हैव गिव अस पॉजिटिव साइंस, मतलब यू ऑल हैव टेकन इन टू ट्विटर, बिकॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव बीन ट्रेंडिंग. इट्स बीन द थर्ड और फोर्थ टाइम दैट यू हैव बीन ट्रेंडिंग एंड इट्स लाइक ए मैसिव ट्रेंड. ऐसी बात नहीं है कि कोई छोटा मोटा ट्रेंड है, इट्स ए मैसिव ट्रेंड. सो दिस शोज दैट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर वॉन्टिंग पोस्टपोनमेंट. ओके, बट अभी वाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, आई वॉन्ट यू टू हियर इट फ्रॉम स्टूडेंट्स. ओके, तो आप लोग मुझे DM करके या वैसे बता सकते हो या तो स्पीकर में आके, तो वाट डू यू थिंक. एंड टॉकिंग अबाउट द मीटिंग, या ऑब्वियसली देयर इन सोर्सेज दैट देयर विल बी अ मीटिंग. ओके, एंड मोस्ट लाइकली इट विल बी ऑन टुमारो. ओके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वी डोंट हैव द क्लैरिफिकेशन और द क्लैरिटी अबाउट एनीथिंग. ओके, दैट्स व्हाई आई मेंशनड इट, इट्स लाइकली. बट थिंग इज दैट यू कांट स्टे क्वाइट एंड जस्ट लिसन अप टू द थिंग इज दैट हाँ ट्रेंड कर लिए देन वी विल गेट जस्टिस. ओके, सो वॉट इज योर कमेंट, लाइक वट आर द थिंग्स वी कैन डू नाउ. ओके, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आज एक स्टेटमेंट दिया था मेरे तरफ से कि आई डोंट सपोर्ट मूविंग टू कोर्ट फॉर पोस्टपोनमेंट, नॉर आई डोंट सपोर्ट दिस प्रोटेस्ट. ओके, सो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो बोला है कि सर यस आई सपोर्ट यू, आपने बहुत सही बोला, ठीक है. पर किसी लोगों का ये भी कहना है कि सर हमें कोर्ट मूव करना चाहिए या तो हमें प्रोटेस्ट के लिए मूव करना चाहिए, ठीक है. सो आई गिव इट ऑन स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से, आप लोग जो कहेंगे हम करेंगे, ठीक है. आप लोग जैसे डिसाइड करते हो, बिकॉज सी मैंने अपना एक्सपर्टिस, मेरा जो मानना है, व्हाट इज माय ओपिनियन, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड. ओके, आई डोंट सपोर्ट कोर्ट केस एट ऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस वन थिंग आई हैव लर्न इज दैट मूविंग टू द कोर्ट नाउ एंड गिविंग लाइक फॉल्स होप्स टू स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड. क्योंकि कोर्ट में आपको पॉलिसीज मेकिंग में आई डोंट थिंक दे विल इंटरफेयर. ओके, ऑलरेडी PG वाला केस देख लीजिए, या तो पहले का JEE मेंस का केस देख लीजिए, है ना. तो ऐसी बात है. तो हीट यू जी स्टूडेंट्स, आई द थिंग इज दैट वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर आप लोग के पास जितना ज़्यादा एक
पावर होता है एक स्टूडेंट के पास, एक नॉर्मल स्टूडेंट के पास जितना ज़्यादा पावर होता है, यू आर शोइंग दैट टू ऑल, ओके, दैट आई कांट डिनाई एट ऑल कि आप लोग नहीं कर रहे हो। एक स्टूडेंट के पास क्या हो सकता है कि वो ट्वीट कर सकता है मैक्स टू मैक्स, है ना, और वो लोग आप लोग कर रहे हो, लाइक कंटिन्यूअसली यू हैव बीन ट्वीटिंग एंड वो रिजल्ट आपके सामने, सबके सामने शो कर रहा है कि यू हैव बीन ट्रेंडिंग। और एज दूसरी बात है कि आप मीडिया से अप्रोच कर सकते हो, जो आपको मीडिया सपोर्ट मिल रहा है दैट इज ऑल्सो इन योर फेवर। द नेक्स्ट थिंग वाट यू कैन डू इज दैट आप लोग मेल्स कर सकते हो, वो भी आप लोग कर रहे हो, है ना। एवरीथिंग दैट लाइज ऑन योर हैंड, जो आपके हिसाब से करना चाहिए, जो आपके पास है, जो आप कर सकते हो, वो सब चीज़ें आप कर रहे हो, है ना। लेकिन सब लोगों का मन में यही है कि वाई नॉट जस्टिस टिल नाउ, आप लोगों को हमें कभी तक क्यों जस्टिस नहीं मिला है, ओके। बट दिस क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है, ये मेरे दिमाग में भी है और इसका आंसर अभी कोई नहीं दे पा रहा है। पहले क्या होता था, पहले हम जब हमें जस्टिस नहीं मिलता था तो हम ये लगता था कि हमने कुछ गलती की है, कि हमें कोर्ट मूव नहीं करना चाहिए, हमने ये करना चाहिए था, अगर हम दो तीन और ट्रेंड करा देते शायद कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता, ठीक है। लेकिन हमारे जो अभी विश लिस्ट में जो जो चीज़ें होती है ना, क्या क्या करना चाहिए पॉजिटिव आउटकम मिलने के लिए, तो उसके तो हमने अधिक ही कर लिया, ठीक है, उससे हम दो तीन गुना थ्री टाइम्स कर लिए अभी हमने। नाउ आप लोग के पास स्टेट रिप्रेजेंटेशन मूव करने का समय है, और समय मतलब क्या, जो मूव करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी करो, विद इन 5 days यू हैव टू कंप्लीट द स्टेट रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टेट रिप्रेजेंटेशन जिनको सबमिट करना है 5 दिन के बाद स्टेट रिप्रेजेंटेशन के लिए चिल्ला के कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके पास। मैं फिर से बता रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सी बिफोर 1st of July यू हैव टू सबमिट, और यू हैव टू लाइक पुश टू, आप लोग के पास स्टेट से पुश करने के लिए आपको पास सिर्फ 5 दिन का समय है। उसके बाद आप लोगों को करके भी इतना ज़्यादा कुछ रिलीफ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ों में स्टेट से मिनिस्ट्री यूनियन जाने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो आप अगर बात उठाओगे भी तो वो टाइम ले लेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, उससे कोई आउटकम मिले उसके ऊपर टाइम दे के आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स योर टाइम लॉस, अल्टीमेटली योर रैंक विल गो डाउन इफ द एग्जाम विल बी कंडक्टेड एज पर द शेड्यूल, ओके। सो स्टूडेंट्स कीप ट्वीटिंग, आप लोग वो ट्वीटिंग तो करते रहिए, या आप लोग वो जानते ही हो मेरे से क्या, मैं आपको क्या बताऊँगा, बट प्लीज शेयर योर ओपिनियन टू, लाइक वट द नेक्स्ट स्टेप दैट वी कैन डू, बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप मुझे बताओगे, नाउ आई एम ऑल्सो लाइक टू लेस कि वट शुड यू प्रोसीड, है ना। और ऐसी तो बात नहीं है कि मिनिस्ट्री में जाके सामने से फाइल लेके कि ये फाइल है, उसके बाद प्रधान जी के टेबल में ला कर साइन करा के ले आए, है ना, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये पॉसिबल तो है नहीं कि मिनिस्ट्री में जाके हम किसी को धमकी देके काम करा सकते हैं, ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम उनके परमिशन के बिना जाके वहाँ पे बैठ के ये सर बातें हैं ये करके हम चले आएंगे, दैट इज़ नॉट ऑट पॉसिबल। जो फंडामेंटली पॉसिबल है वो चीज़ें हम लोग ने सब ट्राई कर लिया, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि आप लोग को रिजल्ट अभी भी कोई चांसेस नहीं है, देयर आर प्रीटी गुड चांसेस, बट आई वॉन्ट लाइक क्लेरिफिकेशन वेरी सून। मुझे ये चाहिए कि अगर पोस्टपोन होगा तो इट शुड बी लाइक आउट विद इन 5 to 10 days, बिकॉज जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स को और ज़्यादा ये धकेला जाएगा ये सब चीज़ों में, उतना ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये बात था नीट का, मैं बात करूंगा नीट के स्टूडेंट्स के साथ। आज आप लोग ज्वाइन हो गए हो तो आप लोग स्पीकर में आके प्लीज अपना कंसर्न, अपना जो भी बातें है वो रखना, ओके। और दूसरी बात है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, तो सीबीएसई स्टूडेंट देखिए, आप जैसे आप लोगों ने सीनियर्स ने आज लोग ट्रेंड किया, तो सेम आपके लिए कैंपेन रखा है कल 6 बजे से, ठीक है। जस्टिस फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स वो आपको ट्रेंडिंग में लाना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ओके। अभी तक सीबीएसई ट्रेंड नहीं किया है तो आप लोग को मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेके आना पड़ेगा, तभी आप लोग के लिए होगा, ठीक है। और दूसरी बात है यूट्यूबर जो कभी मन करे कभी कैंपेन रख देते हैं, वो सब करने के लिए मत किया करो, उनको बोल दो कि जो कैंपेन है उसमें सपोर्ट किया करो, ठीक है। और तीसरी बात है कि आप लोगों का जो बेस्ट ऑफ हाइड्रोटाम का अभी डिमांड है वो सीबीएसई के पास टेबल्स पे है, दे आर इन ए वेरी गुड स्टेट के वो कंसिडर हो जाए आप लोगों का डिमांड। नाउ वॉट यू हैव टू डू इज दैट आप लोगों को एक मेगा कैंपेन तो करना ही पड़ेगा, यू कैन एक्सपेक्ट बेस्ट ऑफ हाइड्रोटाम विदाउट सच मास लेवल ऑफ एम्पलीफिकेशन। आप एक बड़ा कैंपेन के बिना आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको बेस्ट ऑफ द हाइड्रोटाम फी में मिल जाएगा, ठीक है। आपको मेजोरिटी किसी भी तरीके से आपको शो करना पड़ेगा। जो गूगल फॉर्म सबमिट किया था उसमें अभी तक 4000 के लगभग स्टूडेंट्स ने फिलअप कर दिया है, ठीक है। मैं एग्जैक्ट डाटा देखा नहीं है अभी तक, मैं 4 बंद के पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक 4000 बच्चों ने फिलअप कर दिया है,
जब ये 15,000-20,000 होगा, जब मेजोरिटी स्टूडेंट्स आएंगे उसको हम सीबीएसई ऑथोरिटीज को देंगे, तो वो भी फिलअप कर